नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोग के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। और आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, ज्योग्राफी से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जितना भी भारत की भूगोल से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट देखेंगे, जितने भी टॉपिक देखेंगे, इसमें इस वीडियो का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होगा दोस्तों। क्योंकि बिना कोई भी, जब तक हम ज्योग्राफिकली मैप के माध्यम से नहीं समझेंगे, मैप को नहीं समझेंगे, तब तक उस टॉपिक को समझना काफ़ी कठिन हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग इस पूरे क्लास को, आज मैं इसके बारे में काफ़ी चीज़ बताऊंगा, मैं बहुत सा चीज़ ऐसा जो नहीं लिखा हूँ, फिर भी मैं बोलूंगा, आप लोग को इसको क्या करना, एक प्रॉपर कापी और पेन लेकर बैठिए और नोट बनाइए। क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत सा वीडियो दे रहा हूँ, चाहे वो ये भारतीय राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित हो, इतिहास की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, मैं काफ़ी अच्छे से कोशिश करता हूं आप लोग को मैं यहां पढ़ाऊं, फिर दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़े। चलिए, हम लोग आज का जो टॉपिक है मेरा, ज्योग्राफी का पार्ट 3 है दोस्तों। इसमें मैंने भारत एवं पड़ोसी देश से स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ज्योग्राफी पर डाला हूँ। पहला वीडियो था सिलेबस से संबंधित और उसमें महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन। दूसरा था दोस्तों अक्षांश और देशांतर की बात मैंने किया था। ग्लोब के बारे में मैंने आइडिया दिया था दोस्तों, क्योंकि ग्लोब पूरे पृथ्वी के बारे में मैंने बताया था, उसी से अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात किया था, उसी में इंडिया है। और इंडिया का मैंने आज, क्योंकि भारतीय भूगोल के अंतर्गत मैंने भारत में फोकस करना है। चलिए, सबसे पहला मेरा टॉपिक है भारत एवं पड़ोसी देश। आप लोग जैसे मानचित्र में देख रहे हैं कितना क्लियर है, ये देख रहे हैं जो मेरा भारत है और भारत के आसपास जितना पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया दोस्तों, ये जितने भी देश जो देख रहे हैं ना, वो हमारा पड़ोसी है, चाहे वो जलीय के रूप में हो, चाहे स्थलीय के रूप में हो, हमारा मेरा पड़ोसी देश है। तो देखेंगे, चलिए देखिए, जैसे एशिया, जैसे हम लोग जानते हैं विश्व में कुल 5 महासागर और 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में एशिया महादेश, जो कि सबसे बड़ा महादेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए और जनसंख्या की भी दृष्टि से देखा जाए, तो एशिया महादेश सबसे बड़ी महादेश है। उन्हीं में से एशिया महादेश में से एक महत्वपूर्ण देश मेरा भारत है। और एशिया महादेश को भी मैंने 4 भाग में बांटा हूँ, उत्तर एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया, बहुत तरह की बात है। उस पर हम लोग जब विश्व भूगोल की चर्चा करूंगा, विश्व भूगोल का क्लास जब स्टार्ट होगा, सीरीज जो स्टार्ट होगा, वहाँ पर मैं डिस्कशन करूंगा इस चीज़ को। तो मेरा जो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार जो देख रहे हैं ना, श्रीलंका और मालदीव, ये साउथ एशिया का पार्ट है, दक्षिण एशिया का पार्ट है। तो यही मैंने पहला प्रथम यहाँ दिया है, भारत एक दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और पाकिस्तान, नेपाल सब हमारा पड़ोसी देश है, ये भी दक्षिण एशिया का ही भाग है दोस्तों। तो पहला टॉपिक भारत क्या है, तो भारत एक दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, साथ साथ एशिया का भी एक महत्वपूर्ण देश है। चलिए अगला, अब गोलार्ध, जिस तरह से मैंने पिछला क्लास में पढ़ाया था, देख लीजिएगा आप लोग वीडियो, मैंने वहां पृथ्वी को 2 भाग में बांटा था, विषुवत रेखा बांटा था पूरे पृथ्वी को 2 भाग में, ऊपरी भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस एशिया का पार्ट है, तो दक्षिण एशिया का पार्ट है। आइए, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि भारत समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ देश है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय देश का मतलब क्या होता है, जैसे भारत है तो देखिए, इधर आपका हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया दक्षिण और ये जो हो गया पूर्व। तो देखिए, भारत जो है ना 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से भी घिरा हुआ है, हिंद महासागर से भी घिरा हुआ है और अरब सागर, इसलिए मेरा भारत प्रायद्वीपीय, और इस क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, इसको इस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। आइए, अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा टर्म आता है दोस्तों, बहुत सा बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। जब तक इसको समझिएगा नहीं, तब तक ज्योग्राफी भी अपने आप में एक साइंस है, इसमें कंसेप्ट है। कभी कभी हम लोग जैसे द्वीप, जैसे श्रीलंका एक द्वीप है, मालदीव एक द्वीप है, लक्षद्वीप समूह, तो कहा गया एक ऐसा स्थल का भाग, ऐसा जमीन का भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, उसको द्वीप कहा जाता है। जैसे इंडोनेशिया एक, कहा गया दुनिया का सबसे द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो वो इंडोनेशिया है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो आप लोग जानते होंगे ग्रीनलैंड है, बड़ा द्वीप। तो
ये द्वीप का मतलब होता है कि समुद्र से चारों ओर घिरा होना, तो द्वीप आ गया। एक खाड़ी होती है दोस्तों, कभी कभी बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, विश्व के संदर्भ में बात करा जाए तो खाड़ी का मतलब होता है एक ऐसा पानी का भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो। जब कोई भी स्थल तीन ओर से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं दोस्तों। मगर जब कोई भी पानी का भाग तीन ओर से स्थल से घिरा हो उसको खाड़ी कहते हैं। जैसे इस क्षेत्र को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। जैसे अंडमान निकोबार पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में। इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, तो देखिए इधर से भारत से घिरा हुआ है, इधर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर का क्षेत्र जो है ना म्यांमार से घिरा हुआ है। तो हम इस क्षेत्र को कहें बंगाल की खाड़ी। नाम सुने होंगे कच्छ की खाड़ी, तो देखिए ये जो क्षेत्र है ना उसको कहते हैं, जैसे ये यहाँ गुजरात का क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है इधर से भी और इधर से कच्छ की क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी है। तो उस महत्वपूर्ण बात को समझना है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि भारत की पड़ोसी देश, दोस्तों भारत की पड़ोसी देश देखा जाए तो हमारा ऐसा नहीं जो जमीन से जुड़ा हुआ तो पड़ोसी देश हो गया, नहीं। यदि पानी से भी घिरा हुआ है, पानी से हमारा यहाँ इसके और इसके बीच में, देखिए हम लोग चाहेंगे स्थल मार्ग से जाने के लिए मालदीव में नहीं जा सकते, इसके लिए मैंने शिप का सहारा लूंगा, जहाज का सहारा लूंगा, मगर भारत का एक पड़ोसी देश है, भारत के बगल में है श्रीलंका। हम चाहेंगे ट्रेन के माध्यम से जाना, नहीं जा पाएंगे, शिप का ही सहारा लेंगे, तो मगर पड़ोसी देश है। मगर ये नेपाल, भूटान, ये सब क्या है, बांग्लादेश क्या है, हम लोग इसको डायरेक्ट जा सकते हैं स्थल से, यानी हम लोग चाहेंगे बाइक उठाएंगे, यदि सीमा खुला हुआ है, यदि परमिशन है तो हम लोग जा सकते हैं। ट्रेन जैसे हम लोग जानते हैं भारत का साथ बांग्लादेश का साथ ट्रेन की सेवा है, नेपाल के साथ भी स्टार्ट होने वाला है, पाकिस्तान के था मगर कुछ दिनों से अभी बंद है। तो कहीं ना कहीं ये पड़ोसी है, तो कहा गया है कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है या कितना है, तो कुल 9 है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक बात आप लोगों को दोस्त मैं क्लियर करना चाहता हूं, कभी कभी कहा जाता है कि अफगानिस्तान, हम लोग को जैसे ये जम्मू कश्मीर है तो जानते हैं हम लोग कुछ जम्मू कश्मीर का, ये जैसे पूरे तरह से ये जम्मू कश्मीर है तो आप तो लद्दाख क्षेत्र हो गया दोस्तों, ये सब पार्ट को लद्दाख कहा जाता है, मगर जम्मू कश्मीर का कुछ भाग जैसे ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहा गया पाक अधिकृत कश्मीर। ये जो क्षेत्र है ना वो पाकिस्तान के कब्जा में है, जो पाकिस्तान के कब्जा में है, मगर कहीं ना कहीं एक नियम से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ये जो पाक अधिकृत समझे जिसको हम पोक कहते हैं, ये जो क्षेत्र है अभी देख किसके क्षेत्र में है, पाकिस्तान का क्षेत्र में है, मगर कहीं ना कहीं तो मेरा अधिकार तो इस पे है। तो हम लोग जब कभी भी ये क्षेत्र भारत के क्षेत्र में आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग अफगानिस्तान जा सकते हैं। बट अभी वर्तमान में यदि जो रियल एक्चुअल सीमा है भारत का उसके साथ तो टच नहीं करती है अफगानिस्तान का सीमा, बट ये जब क्षेत्र कह रही है भारत भारत का है और पाकिस्तान कह रहा है मेरा है, तो कहीं ना कहीं जब ये क्षेत्र भारत के अंदर आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट अफगानिस्तान की भारत की सीमा अफगानिस्तान से टच कर देगा। बट अभी के समय में भारत की सीमा अफगानिस्तान को टच नहीं करती है, फिर भी मेरा है तो मुझे तो शो करना पड़ेगा, मुझे तो कहना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ अफगानिस्तान को सम्मिलित किया है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो नौ है, कभी कभी क्या करता है कोई कोई बुक 8 शो करता है, कभी कभी 9 शो करता है, तो 9 कब हुआ और 8 कब हुआ आप लोग समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग मैप से कोई चीज पढ़ते हैं ना तो काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, आपको लंबा टाइम तक के लिए याद रहेगा ये दोस्तों, इसलिए मैंने कोशिश की। अब देख लीजिए अब हमारा यहाँ 9 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, सबका पोजीशन मैंने दिखा दिया। आप लोग क्या कीजिएगा, एक प्रॉपर नोट बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा इस मैप को बनाए और याद कीजिए। जैसे ये म्यांमार है तो म्यांमार यहाँ पे है, जिसका पुराना नाम बर्मा है दोस्तों, पहले बर्मा के नाम से जानते थे। इसके बाद ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, यहाँ भूटान है, ये नेपाल है भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान है, चीन है, ये हमारा पश्चिम में हो गया, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पाकिस्तान है, भारत के दक्षिण के क्षेत्र में बात करेंगे तो हिंद महासागर है, श्रीलंका है, भारत के पूरब की क्षेत्र की बात करेंगे तो म्यांमार भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, बंगाल की खाड़ी भी आ जाता है दोस्तों, अंडमान निकोबार, देख लीजिए नाम सुने होंगे अंडमान निकोबार, हमारा भारत का अंडमान निकोबार एक मेरा केंद्र प्रशासित राज्य है। तो अभी इस क्लास में, इस वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ
आप लोग सभी देश का है ना पोजीशन खाली समझ के रखिए। सो म्यांमार वहाँ पे है, बांग्लादेश यहाँ है, भूटान यहाँ है, नेपाल यहाँ है, चाइना वहाँ पे है, ये अरब सागर का क्षेत्र हुआ दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी हो गया और हिंद महासागर का क्षेत्र हो गया। आप ये चीज को दिमाग में रखिए, क्योंकि मेरा अब ये चार तक समझ में आ गया होगा। पांचवा, भारत का स्थलीय पड़ोसी देश, हमसे ये पूछ दिया जाए भारत का पड़ोसी देश कितना है या कौन कौन है, तो मेरे पास ये आंसर होगा। बट हमसे ये पूछ दिया जाए भारत का स्थलीय, स्थलीय मतलब जमीन से जुड़ा होना चाहिए दोस्तों। तो जमीन की बात किया जाए तो देखिए, भारत का पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बट नहीं क्षेत्र है अभी, बार बार कर रहा हूँ इसलिए मेरे साथ टच नहीं करता, बट करना होगा, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से और बांग्लादेश से, ये जो 6-7 देश है वो 7 देश मेरा स्थलीय सीमा होगा। तो स्थलीय हमसे पूछा जाए तो मेरा ये होगा। भारत का जलीय सीमा, जलीय पड़ोसी देश, तो जलीय पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका हो जाएगा और मालदीव हो जाएगा। बट भारत का स्थलीय भी होना चाहिए और जलीय भी हो, दोनों के साथ टच करना चाहिए। तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के साथ मेरा स्थल का सीमा और ये मेरा जल का सीमा हो गया। बांग्लादेश के साथ स्थल का सीमा, स्थलीय सीमा और ये मेरा हो गया जलीय सीमा। म्यांमार के साथ देख लीजिए ये और ये देख लीजिए, ये मेरा सीमा। तो बीच में इस तरह की सीमा आ रही है, तो ये हमारा हो गया। तो भारत का स्थलीय एवं जलीय एवं पड़ोसी देश हो गया, स्थल से भी होना चाहिए, जलीय से भी होना चाहिए। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, 3 देश इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं इस पार्ट में मैंने इतना ही बताया, मैप के बारे में मैंने बताया और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सवाल सब आते रहता है एग्जामिनेशन में उसको मैंने अध्ययन किया है। ये वीडियो को मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, मेरा अगला जो क्लास होगा ना वो अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने भारत के आसपास के बारे में बताया है। अब अगला जो क्लास होगा ना वो मुझे जानना है अरब सागर से संबंधित, भारत का कौन कौन सा राज्य अरब सागर से है, कौन कौन सा जगह की बात करेंगे, मालदीव के बारे में बात करेंगे। ये मेरा हो गया, ये हो गया पश्चिमी ढाल हो गई, ये हो गया पूर्वी ढाल हो गई, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो गया, भारत का कौन कौन सा राज्य किस किस बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, फिर हम लोग बात करेंगे। अगला जो क्लास होगा काफी महत्वपूर्ण होगा, जैसे राज्य की स्थिति के बारे में समझेंगे, पूरे जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य है तो किस स्थिति में है, कहाँ पे है भारत में, उसको हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग आगे जो पढ़ेंगे जैसे कृषि की बात करेंगे, झील की बात करेंगे, उद्योग धंधा की बात करेंगे, तो आपको प्रॉपर एक दिमाग में नोट्स बनेगा, एक मैप बनेगा और आपको ये फैक्ट जो है ना काफी दिनों तक याद रहेगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं फिर पुनः कुछ ही समय में अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसके लिए बहुत काफी आप लोग ने अंत तक देखा वीडियो को, बार बार आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ यदि समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स कीजिए सर इस तरह की और मुझे डिटेल्स में बताया जाए, और इस टॉपिक में या कोई आप लोग का टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए सर इस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को इस टॉपिक पर डिस्कशन करूँ। और एक बार पुनः आप लोग को करते हैं सब वीडियो को, ये सब वीडियो को था शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, जो बच्चे इससे लाभान्वित हो चुके होंगे और एग्जामिनेशन बैठेंगे तो अपना जो इसका टारगेट है, कैरियर है, वो अचीव कर सके। धन्यवाद दोस्तों।